राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों ही कहती है हमारी सरकार में विकास की गंगा बह रही है। वहीं जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वहां तो विकास का कोई कहना ही नहीं है। जरा रामनगर की इन तस्वीरों को देखिए जो सरकार के दावों की पोल खोलती है। भले ही सरकारें शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लाख दावे कर ले, उसके बावजूद जमीनी हकीकत ठीक उल्टी है। आज भी कई स्कूलों के भवन जर्जर अवस्था में हैं, जहां छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं विकास खंड कोटाबाग में पढ़ने वाले बोहरा कोट क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की, जो हादसों को दावत दे रहा है। इसको हो गए तीन, मतलब इसको हो गए करीबन 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए। स्कूल गिरने वाला हो रहा है, बच्चे कहीं दब न जाए, मतलब बच्चे सब बाहर से पढ़ रहे हैं, कभी जब बारिश बंद होती फिर अंदर ले जा रहे हैं, कभी बाहर ला रहे हैं, डर डर के आ रहे हैं बच्चे यहाँ पर। कभी कभी हो ना जाए कैसे, मतलब परिवार कोई खत्म ना हो जाए, बाहर से ही भी अंदर ले जा रहे हैं भी पढ़ा रहे हैं। फिर क्या करते हैं बेचारे, कहाँ बैठाते हैं यार, हमारे यहाँ सर भी इतने बढ़िया आदमी आए हैं बेचारे, क्या बताऊँ। हाँ, ये मौत के ही मुंह पर पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल गिर ना जाए इसमें। कभी हम बैठते भी हमें खुद ही डर लगती है अंदर। इसी स्कूल की, हमारे यहाँ बहराकोट का स्कूल बिल्कुल गिरने वाला हो रहा है, बच्चे कहीं दब ना जाए पढ़ाई में भी, मतलब यहाँ पर 30-35 बच्चे हैं और स्कूल को 12 हाल इसको बना दो, जैसे तैसे इसको बनाओ, और कभी कोई कुछ ना हो ना जाए इसमें, कोई बच्चे कहीं दब ना जाए। स्थानीय लोग भवन की जर्जर हालात को देखते हुए जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों को कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन हालत जस के तस बने हुए हैं। रामनगर पहुंचे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से जब हमने कोटाबाग विकास खंड के बोहरा कोट राजकीय प्राथमिक विद्यालय के जर्जर हालात की बात की, तो उन्होंने कहा कि इसमें डीपीआर बनाने को लेकर आदेश हमने जारी कर दिए हैं, तुरंत ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि सरकार की तरफ से जितने भी विद्यालय जीर्ण शीर्ण है, क्योंकि डिग्री कॉलेज तो कोई भी जीर्ण शीर्ण है नहीं, अगर बेसिक के हैं माध्यमिक विद्यालयों की बात, तो उनकी डीपीआर बनाने के लिए सरकार की तरफ से ऑर्डर हो गए हैं, और जितने भी विद्यालय जीर्ण शीर्ण हैं उनको ठीक किया जाएगा, नए विद्यालय भी दिए जाएंगे, नई बिल्डिंगें भी दी जाएंगे, सरकार से पैसों की कमी। मंत्री जी ने तो काम जल्द शुरू करने की बात कह दी है, वहीं अब ये तो समय ही बताएगा कि काम कब से शुरू किया जाता है, या फिर हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई देंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।